छतरपुर में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से विकलांग कल्याण समिति द्वारा जिला अस्पताल की पुरानी कैंटीन के पास मौजूद DDRC केंद्र में सोमवार को दो दिवसीय दिव्यांग परीक्षण एवं सहायक उपकरण वितरण शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर में मौजूद चिकित्सकों की टीम ने दिव्यांगजनों का परीक्षण कर उन्हें उपकरण दिए। विकलांग कल्याण समिति के अध्यक्ष मुकेश कुमार पटेल ने बताया कि सोमवार को शुरू हुआ यह शिविर मंगलवार को भी संचालित हुआ। शिविर में LMCO कंपनी के अधिकारियों के अलावा विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपस्थिति रही। जो पैरों से दिव्यांग लोगों का परीक्षण कर रहे उन्हें कैलिपर्स, छड़ी, वैसाखी आदि उपकरण दिए गए। उन्होंने बताया कि जांच के बाद शिविर में ही दिव्यांगजनों के लिए SR ट्रस्ट इंदौर के सहयोग से उपकरण तैयार किए जा रहे हैं। शिविर का लाभ लेने के लिए संबंधित दिव्यांगजनों को अपने आधार कार्ड, UDID कार्ड, विकलांग प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र अथवा BPL राशन कार्ड सहित दो फोटो लाना है। उन्होंने जिले के तमाम दिव्यांगजनों से शिविर में शामिल होकर लाभ लेने की अपील की है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार पटेल है। किस पद पर हैं आप, क्या है? और मैं यहाँ पर विकलांग कल्याण समिति का अध्यक्ष हूँ और आज जो ये कैंप लगाया है भारत सरकार का सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है उसके माध्यम से LMCO कंपनी के माध्यम से यहाँ शिविर आयोजित किया गया है जिसमें उनकी टीम के द्वारा यहाँ परीक्षण किया जा रहा है और SR ट्रस्ट संस्था है इंदौर की जो ट्रस्ट है उसके माध्यम से यहाँ पर जो सामग्री दी जा रही है उसमें मेनतः जो पैर से दिव्यांग हैं उनके लिए यहाँ पर कैलिपर्स और बैसाखी और छड़ी दी जा रही है। उनको देख करके, उनको जांच करके तुरंत यहाँ पर परीक्षण करके तुरंत सामान बनाया जा रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि जो दिव्यांग साथी जिला के हैं, क्योंकि ये कैंप बहुत दिनों बाद लग रहा है और जिन दिव्यांग साथियों को ज़रूरत है कैलिपर्स की वो लोग ज़रूर आएँ और इस शिविर का लाभ लें। अभी तक करीब आज यहाँ पर 50 लोग आए हुए हैं और उनको तुरंत यहाँ पर सामान दिया गया और तुरंत जो है उनका चेक किया गया जिनको ज़रूरत थी। इसके पे कितने दिन से लगा है ये? आज और कल लगेगा, कल और लगेगा ये और कल दो दिवसीय कैंप।